वेलकम ऑल ऑफ यू टू आज एस्पेक्ट विजन। तो कैसे हैं सीयूईटी 2023 के सभी स्टूडेंट, आप लोगों का रिजल्ट जारी हो चुका है, एनटीए ने रिजल्ट आपका जारी कर चुके। अब जो आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, सीयूईटी का रिजल्ट आ गया, क्वेश्चंस दिमाग में भरपूर होंगे। सबसे पहला तो यही डाउट होगा कि रिजल्ट को समझे कैसे, नॉर्मलाइज स्कोर क्या है, परसेंटाइल क्या है, इसको कैसे समझे। दूसरा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि कॉलेज कैसे मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन आ रहा होगा कि कट ऑफ क्या है सीयूईटी का, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है सर, हमारा इतना स्कोर है, हमारा इतना परसेंटाइल है, क्या हमें इस पे कॉलेज मिलेगा, हमें सेफ स्कोर सेफ परसेंटाइल कैसे पता चलेगा। चाहे आपको बीए लेना हो, बीकॉम लेना हो, बीएससी लेना हो, एग्रीकल्चर लेना हो, कुछ भी लेना हो, सभी के लिए आपको कट ऑफ समझना जरूरी है कि आपका कितना स्कोर है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, आपका कितना परसेंटाइल है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो इन सभी टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे, यानी कि ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो समझ जाइए आप सीयूईटी के कट ऑफ को, सीयूईटी के रिजल्ट को अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। एक और क्वेश्चन जो लगातार कल बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि जितने यूनिवर्सिटी मैंने फॉर्म फिलअप टाइम कर भरे हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी, क्या हम सिर्फ उसी में एडमिशन ले सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये सभी कंफ्यूजन आपके मन में जितना कंफ्यूजन उमर रहा है अभी, सभी को मैं आज के इस वीडियो में दूर करने जा रहा हूं। तो आज के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पे न्यू हैं आप लोग सभी लोग तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सीयूईटी के ऊपर सभी अपडेट आपको मिलेंगे, सभी कॉलेजेस के कट ऑफ, सभी यूनिवर्सिटी के कट ऑफ, सभी आपको इस चैनल पे देखने को मिले। तो सभी बच्चे जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक करना ना भूले, आपके लिए बहुत इफर्ट लगाता हूं, बहुत मेहनत करता हूं, इसलिए सब लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, जल्दी से लाइक कर दीजिए। और सीयूईटी 2023 के सभी कैंडिडेट व्हाट्सएप ग्रुप में मस्त से मस्त ज्वाइन कर ले, क्योंकि सभी अपडेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, कमेंट बॉक्स में पिन होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मस्त से मस्त जुड़ जाए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एनटीए ने एक एक करके मैं स्टेप वाइज सभी चीजों को कवर अप करूंगा, आप लोग अच्छे से बस देखिए। एनटीए ने कल जो है रिजल्ट जारी कर दिया है सीयूईटी का, आप लोग देखेंगे तो यहां पे आप लोग को एनटीए डिक्लेयर्स द रिजल्ट एनटीए स्कोर्स ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि 15/7 को रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है। अब जो एनटीए ने डेटा दिया है, सबसे पहले हम उस डेटे पे थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। ये जो एनटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, इसमें बस यही लिखा हुआ है कि हमारा रिजल्ट जारी हो चुका है सीयूईटी का। इसमें टोटल जो है कितने फेज में, 9 फेज में एग्जाम हुआ था, जिसमें कैंडिडेट अपीयर कितने कितने हुए ये बताए गए हैं। टोटल 28 लाख कैंडिडेट अपीयर हुए हैं सीयूईटी 2023 में, 28 लाख कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। और इसी सब का इंफॉर्मेशन है कि बहुत सारे कोर्सेस हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए सीयूईटी का एग्जाम दिया गया है कैंडिडेट के द्वारा। ये तो बेसिक सा चीज हो गया। रिजल्ट आई होप सब लोगों ने चेक कर लिया होगा, कैसे चेक करना ये भी बताने की जरूरत नहीं है, साइट पे लॉग इन करके आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर ले। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा। सबसे पहले हम आपको रिजल्ट समझा देते हैं, रिजल्ट समझाने के बाद हम आपको कट ऑफ समझा देंगे, प्लस कैसे आपको यूनिवर्सिटी चूज करना है, कैसे आपको सब्जेक्ट को काउंट करना है, क्योंकि आपका लैंग्वेज पेपर होगा भी, जनरल टेस्ट भी होगा, आपका डोमेन होगा, सभी चीजों को कैसे समझना है ये जरूरी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सभी बच्चे मैं दोबारा बोलूंगा, सब लोग पहले लाइक कर देंगे, रिक्वेस्ट है मेरा आप सभी को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में मस्त से मस्त ज्वाइन कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो चलिए अब हम लोग रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका रिजल्ट है, ठीक है, सीयूईटी 2023 का ये एक रिजल्ट है किसी कैंडिडेट का, आप लोग देख सकते हैं 15/7/2023। आपको उतना क्लियर हो सकता है, विजिबल नहीं होगा, बट मेरी बातों को समझिए। सबसे पहले देखिए यहां पे परसेंटाइल स्कोर आपको दिखेगा, परसेंटाइल स्कोर, और दूसरा दिखेगा आपको इन फिगर, ठीक है, इन फिगर। अब यहां पे दो चीज आपको समझना है कि परसेंटाइल स्कोर क्या है और ये जो फिगर में है ये क्या है, ठीक है। लोगों को यही कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। यहां पे आपके सब्जेक्ट्स नेम रहेंगे, जिस जिस सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया है, एक आपका लैंग्वेज पेपर होगा, उसके बाद आपका जनरल टेस्ट होगा, फिर आपने जो जो डोमेन सेलेक्ट किए थे जिसका आपने एग्जाम देना चाहा, वो सब्जेक्ट्स पेपर होंगे, डोमेन पेपर, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए परसेंटाइल स्कोर जो होता है ये है आपका ओरिजिनल परसेंटाइल, लेकिन ये ओवरऑल परसेंटाइल नहीं है, ये एक एक सब्जेक्ट का आपका परसेंटाइल है। और बोलोगे सर ये जो फिगर में दिया हुआ है ये है आपका स्कोर, यहां पे बच्चे बहुत गलती करते हैं इसको समझने, ये है आपका स्कोर। आप बोलोगे स्कोर मतलब, स्कोर मतलब ये है आपका मार्क्स,
कि आपको इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले। सपोज डेट इंग्लिश का एग्जाम 100 मार्क्स का था और इनको आया 81, तो यानी कि 81 मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में मिले और ये है आपका परसेंटाइल। तो परसेंटाइल तो बाबू कितने बच्चे एग्जाम दिए उसके थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी हमें परसेंटाइल नहीं देखना है, हमें जो मेन रूप से देखना है वो देखना है स्कोर, जिसको हम लोग नॉर्मलाइज स्कोर भी बोलते हैं। ठीक है, स्कोर आपको देखना है कि आपने हर एक सब्जेक्ट में कितना स्कोर करा। आपका किसी एक सब्जेक्ट का परसेंटाइल मैटर नहीं करेगा। ठीक है, आप लोग यहां से देख लेंगे अपना स्कोर। अब लोग सर हम स्कोर देख लिए टोटल, अब आगे क्या करें? कुछ तो लिखा ही नहीं है, क्या है? मैंने कट ऑफ क्लियर किया, मैंने कट ऑफ नहीं क्लियर किया, मुझे किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, सब चीज। तो मैं बताऊंगा आप लोग को, नीचे आपको यूनिवर्सिटी का लिस्ट दिया रहेगा जितने भी यूनिवर्सिटी के लिए आपने अप्लाई किया है। यहां पे एक कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं आप लोग को, टोटल कंफ्यूजन आपका मैं दूर कर दूंगा इस वीडियो में टोटल। ठीक है, यहां पे एक कंफ्यूजन लोगों के मन में रहता है कि जितना यूनिवर्सिटी के लिए मैंने अप्लाई किया सिर्फ उसी में हम फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि देखिए जब फॉर्म भरते हैं स्टूडेंट उस टाइम उनको इन्फॉर्मेशन की कमी रहती है, जहां तक उन्हें समझ में आता है उतना को भर देते हैं, बाकी के कहां गए? तो मैं बता दूं आप लोग को, बाकी के भी यूनिवर्सिटी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है, कैसे है? जैसे मैंने यहां पे DU नहीं डाला है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या अप्लाई नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इस CUET स्कोर के बेसिस पे आप लोग बिल्कुल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स देने हैं, ये हो गया आपको रिजल्ट समझने का। अब कट ऑफ का कुछ कॉन्सेप्ट आपको हम समझाते हैं कि आपने कितना स्कोर करा है तो आपका एडमिशन हो जाएगा अच्छे यूनिवर्सिटी में अच्छे कोर्स में। इसका कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को समझाता हूं। तो सबसे पहले आप लोग देख लिए आपका हो गया ऑनर्स। ठीक है, ऑनर्स में आपका चाहे आपको BA लेना हो, BCOM लेना हो या BSc लेना हो, ठीक है, चाहे आपको BA लेना हो, BCOM लेना हो या BSc हो लेना हो, एग्रीकल्चर लेना होगा अगर तो एग्रीकल्चर के बच्चे ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो जिनको ऑनर्स लेना है उनके लिए होगा एक लैंग्वेज पेपर, ठीक है, एक लैंग्वेज पेपर होगा आपका और 3 होगा आपका डोमेन सब्जेक्ट, 3 होगा आपका डोमेन सब्जेक्ट जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब यही हम लोग अगर प्रोग्राम टर्म की बात करेंगे, प्रोग्राम में क्या है भैया, तो प्रोग्राम की हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपका 2 केस बनेगा। अब यहीं पे आपको अच्छे से समझना है कि हम लोग कट ऑफ कैसे निकालेंगे, यहीं पे समझना है। पहला केस हम अगर ले लेते हैं जिसमें आपका एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है, लैंग्वेज पेपर, 3 है आपका डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है, मान लीजिए 3 डोमेन सब्जेक्ट है। ठीक है, अब केस 2 में क्या हो गया कि एक इंग्लिश को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, एक हम लोग डोमेन पेपर को, दोनों तरीके से मिलता है, चाहे बीकॉम हो, बीए हो या बीएससी हो, सबका आपका अपना अपना जारी होता है कट ऑफ उस हिसाब से, आप लोग बस समझिए। मान लीजिए केस 2 है, केस 1 है, केस 1 में हमने एक पेपर को कंसीडर किया इंग्लिश को, ठीक है, 3 डोमेन सब्जेक्ट को कंसीडर किया और केस 2 में एक इंग्लिश को कंसीडर किया, एक डोमेन पेपर को और एक जनरल टेस्ट को। अब देखिए यहां पे आपको समझने की बात है, मान लीजिए इंग्लिश आपका 200 नंबर का होगा, 3 डोमेन सब्जेक्ट यानी कि 200 प्लस 200 प्लस 200, ठीक है, और एक जो है आपका, समझिए कि आपका ये हो गया 800 नंबर, ठीक है, यानी कि आपका टोटल मार्क्स हो गया 800। अब यहां पे आपको एक चीज समझना है कि अब आपको क्या करना है, जाना है अपने रिजल्ट पे, और रिजल्ट पे जाने के बाद यहां से फिगर में जो जो सब्जेक्ट आपने 3 डोमेन सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज पेपर का, यहां से आप फिगर उठा लेंगे और सभी को ऐड करेंगे। ठीक है, 800 सपोज डेट हो रहा है, आप ऐड करेंगे आपको कितना आया, ठीक है, आपको कितना आया, सपोज डेट आपको आया है 600 मार्क्स, 800 में आपको आया है भैया 600 मार्क्स, तो यानी कि आपका परसेंटेज जो बना वो कितना बना, वो परसेंटेज आपका बना सपोज डेट 75% मेरा बन रहा है, कितना बन रहा है 75% बन रहा है, ये हुआ आपका एक्चुअल परसेंटेज, ये हुआ आपका एक्चुअल परसेंटेज, यानी कि आपको परसेंटाइल नहीं देखना, आपको ये परसेंटेज अपना कैलकुलेट करना है। अब इस 800 में आपको जितना भी आया वो आप कैलकुलेट कर ले, ये हुआ केस 1। ठीक है, अब आते हैं केस 2 में, केस 2 में क्या होता है, इंग्लिश को कंसीडर हम लोग कर लेंगे, यानी इंग्लिश कितना का होगा भैया, इंग्लिश हो गया 200 मार्क्स का, ठीक है, और कर लेते हैं हम लोग डोमेन, एक डोमेन सब्जेक्ट ले लेते हैं, ये भी आपका हो गया 200 मार्क्स का, ठीक है, और देखिए आपका जनरल टेस्ट हो गया मान लीजिए 250 नंबर का, तो टोटल भैया मेरा कितना हो गया, टोटल हो गया मेरा 650 नंबर। ठीक है, अब इस 650 में सपोज डेट आपको आया है, सपोज डेट 500 आया है, इस 650 में यहां पे टोटल मार्क्स का डिफरेंस हो गया, यहां पे 800 था, यहां पे 650, अब इसमें आया भैया आपका 500 नंबर, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्स 77% के आसपास आएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका एक्चुअल परसेंटेज, ये हो गया आपका एक्चुअल परसेंटेज, तो ये होता है रिजल्ट कैलकुलेशन।
अब बोलोगे भैया इतना काम हम लोग को सीयूटी दे देता है करने के लिए, खुद नहीं करके दे सकता है, तो जी हाँ ये आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक कोर्स नहीं है, यहाँ पे वेरियस ऑफ कोर्सेस है, इसी वजह से ये कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया अपना, हर एक केस में कर लिया, अब आप कैलकुलेट करके अपना परसेंटेज अपने पास रख ले। अब बात आती है कि इसका कैसे एडमिशन प्रोसेस होगा, कैसे काउंसलिंग होगा, एवरीथिंग कैसे होगा। तो अब देखिए सीयूटी स्कोर एक माध्यम है आपका एडमिशन लेने का। अब जितने भी यूनिवर्सिटी हैं अपना कट ऑफ जारी करेंगे, अपने वेरियस कोर्सेज के लिए कट ऑफ जारी करेंगे, उससे आपको अपना कट ऑफ मैच करना है, देन आपका काउंसलिंग होगा, देन आपका एडमिशन होगा। सपोज डेट, अब देखिए यहाँ पे एक और कंफ्यूजन आता है, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, DU का, सपोज डेट कि DU के अंदर बहुत सारे वेरियस प्रोग्राम चलते हैं। अब उस प्रोग्राम कोर्स के लिए हर एक का लैंग्वेज स्पेसिफाइड रहता है, जैसे ये कोर्सेज के लिए हमें ये लैंग्वेज चाहिए। अब इसने लैंग्वेज स्पेसिफाइड अपना किया और उस लैंग्वेज से आप लोग अपना टेस्ट पेपर मिलाओगे कि आपने एग्जामिनेशन किस किस पेपर का दिया, जिस जिस पेपर का आप एग्जाम देंगे उस कोर्स में किस प्रोग्राम में वो चीज खोज रहा है, इसको आपको मैच करना। जब आप मैच कर लोगे तब आप अपना परसेंटेज देखेंगे और इसका जो कट ऑफ आया है वो देखेंगे। सपोज आपका जो है, आपका सपोज आपने 82% स्कोर करा है सीयूटी में, ठीक है, और DU ने जो मान लीजिए किसी प्रोग्राम का कट ऑफ निकाला है 87-88, अपना कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकालेगा, जनरल के लिए जनरल, EWS, OBC, जितने भी जो एससी के लिए एससी, ST के लिए, जो भी आपका कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ आएगा। सपोज दैट इसने 87-88 निकाला है, आपका 82, तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे DU में, आपको अदर यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करना है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई भी करा होगा या फिर नहीं भी कराया, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन काउंसलिंग, ठीक है। और इसी तरीके से मान लीजिए आपका 82 है, किसी यूनिवर्सिटी ने अपना कट ऑफ निकाला है अबव 80, उसमें आप सेलेक्टेड है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये है सिस्टम सीयूटी का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और कोई भी डाउट है आपको पूछना होगा कि मेरा इतना परसेंट है, इतना मार्क्स है, इतना टोटल, आप लोग जोड़ के डोमेन में, इंग्लिश में, जनरल टेस्ट में, सारी चीजें में जोड़ के अगर आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं जितना जल्द से जल्द हो सके उसको रिप्लाई देने का आपको कोशिश करूंगा। और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे हमारे ऊपर, कट ऑफ के ऊपर, स्पेसिफाइड कॉलेज के ऊपर कि किस कॉलेज का क्या कट ऑफ जाएगा, सारे चीजों, सीयूटी का पूरा एक सीरीज चलेगा। तो इस सीरीज के लिए आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस वीडियो को लाइक कर दे, और सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में मस्त से मस्त ज्वाइन कर ले। CUT 2023 का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक पिन मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू आपके करियर के लिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो सीयूटी में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।